फ्रेंड, कैसे आप अपने बिजनेस को इस तरीके से गूगल पर डाल सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। बिजनेस कोई भी हो, चाहे फिर वो आपकी कोई शॉप हो, स्कूल हो या फिर कोई होटल है, कोई भी बिजनेस हो, आप हर तरह के बिजनेस को गूगल पर इस तरीके से डाल सकते हैं और इसका काफी बेनिफिट भी है। जब आप अपना बिजनेस को गूगल पर डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके बिजनेस तक जो है विजिट कर पाते हैं। आपने भी कई बार सर्च किया होगा गूगल पर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेस्ट नियर मी होटल, जनरल स्टोर, तो हमारे सामने काफी सारी गूगल पर लिस्ट जो है निकल के आ जाते हैं और जो हमारे आसपास में होता है हम उस पर जो है विजिट करते हैं। तो ऐसे जो है आपका कोई भी बिजनेस है और आप भी गूगल पर डालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड, गूगल पर अपना बिजनेस डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट साइड में ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड योर बिजनेस का, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलग से एक ब्राउजर के अंदर एक टैब ओपन होगा जहाँ पर आपको जो है अपने बिजनेस का नाम और बिजनेस कैटेगरी डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ भी डाल के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है रवि जनरल स्टोर। आपका जो भी बिजनेस नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर चाहे वो आपका कोई स्कूल का नाम हो, होटल का नाम हो, कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट आपको जो भी आपके बिजनेस की कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस आता है, वो कैटेगरी आपको डाल देनी है। जैसे कि हमारी शॉप है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ शॉप। कैटेगरी डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन के लिए बोल रहा है, आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस वही डालना है जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, जो आपकी बिजनेस लोकेशन है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कई बार यहाँ पर जो है आपके आसपास के जितने भी जनरल स्टोर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना और यहाँ पर नन ऑफ दिस के ऊपर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने मैप खुल के आ जाएगा और आपको लाल रंग का एक पॉइंटर मिलेगा। अभी आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है सिंपली उस लोकेशन को यहाँ पर पॉइंट कर देना है। तो मैं आप सिंपली इसको जो पॉइंट कर देता हूँ, आप जो है मैप को थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। आपको जो लोकेशन को बिल्कुल अच्छे से पॉइंट करना है। लोकेशन को पॉइंट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप जो है कस्टमर को होम डिलीवर जो है करवाते हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, नहीं करवाते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आई डोंट हैव अ वेबसाइट, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है वेरीफाई करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉल और टेक्स्ट। आपको सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस दिन आपकी शॉप खुली रहती है और किस दिन बंद रहती है। जैसे कि संडे को बंद रहती है, बाकी सभी दिन खुली रहती है, तो हम सभी को जो है इस तरीके से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन और क्लोज का टाइम भी डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट टाइम भी डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने संडे को क्लोज रखा है, बाकी सभी को यहाँ पर ऑन कर दिया है। और टाइम यहाँ पर जो मैंने ओपन टाइम 9 AM रखा और जो है क्लोज टाइम मैंने रखा है 10 PM। सभी के अंदर मैंने ये रखा है, आपका जो भी टाइम है उस हिसाब से आप इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबको सेट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मैसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं चाहे फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास जो है कस्टमर मैसेज कर पाएगा, अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो जो है आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको ऑन रखें, ऑन करने के बाद आप इसको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं और आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप अपने बिजनेस की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। आपका बिजनेस कोई भी हो, आपकी कोई शॉप है, होटल है, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फ़ोटो डालने के लिए आपको सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है कोई भी फ़ोटो नहीं डाल रहा हूँ, सिंपली इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप फ़ोटो डालेंगे तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल बन के आ गई है, योर बिजनेस ऑन गूगल। उसके बाद जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रवि जनरल स्टोर जो हमने एड्रेस डाला है, और नीचे सारी की सारी हमारी डिटेल आ गई है। तो इस तरीके से जो है आप गूगल पर अपना बिजनेस डाल सकते हैं। इसको वेरीफाई होने में जो है 24 घंटे का टाइम लगता है, 24 घंटे में जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा और गूगल पर लिस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो गूगल सर्च में भी आने लग जाएगा। जब भी कोई पर्सन जो है गूगल पर सर्च करेगा नियर मी जर्नल स्टोर, तो वहाँ पर जो है आपका स्टोर आ जाएगा।